अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पैरासाइटोलॉजी कवर करेंगे। पैरासाइटोलॉजी हम लोग इस वे में कवर करेंगे कि हम लोग प्रॉफ के लिहाज से मैक्सिमम प्रिपरेशन कर लें। पैरासाइटोलॉजी के अंदर ये जो आपका फर्स्ट पार्ट 6 लेविंसन का स्टार्ट होता है, पैरासाइटोलॉजी के अंदर सबसे पहले इस पेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको इट्स बेटर कि आप यहीं पर देख लें और यहीं पे इनको कवर अप कर लें ताकि हमारे पास मैक्सिमम हम लोग प्रॉफ लिहाज से तैयारी कर सकें। अब वो बताते हैं कि पैरासाइट्स जो होते हैं उनकी टू बेसिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, टू बेसिक फॉर्म्स हैं, आइदर दे आर प्रोटोजोन्स और दे आर हेलमेंट्स। हेलमेंट्स को ही मेटाजोआ भी कहते हैं और वर्म्स भी कहते हैं। और जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनका और हेलमेंट्स का डिफरेंस आता है। प्रोटोजोन्स जो हैं वो बेसिकली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं और मेटाजोन, हेलमेंट्स या फिर वर्म्स दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मेडिकल पर्पजेस के लिए प्रोटोजोन्स को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास होता है सार्कोडीना फॉर अमीबिया फॉर अमीबाज, स्पोरोजोआस फॉर स्पोरोजोन्स, मेटेगोफोरा फॉर फ्लैजिलेट्स एंड सीलिएटा फॉर सीलिएट्स। ठीक है, आगे इन्होंने बताया हुआ है कि मेटाजोन्स के जो फाइला हैं, व्हाट आर द टू फाइला ऑफ मेटाजोन्स। ठीक है, वो होते हैं प्लेटी हेलमेंथीज एंड निमेट हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज में हमारे पास फ्लैट वर्म्स आते हैं और निमेट हेलमेंथीज में हमारे पास राउंड वर्म्स निमाटोड्स आते हैं। ठीक है, फिर आगे फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज के इम्पॉर्टेंट क्लासेस बताए हुए हैं और उनको डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली जो हमारे पास शायद इस बुक का एडिशन पुराना है, जो हमारे पास 15th एडिशन का की बुक है ना, उसके अंदर कुछ लेट मी सी, यहाँ पे शायद लिखा हो, नहीं लिखा हुआ। अच्छा, द थिंग इज कि इफ यू गाइस विल ओपन द फर्स्ट पेज दैट इज 409 ऑन लेविंसन 15th एडिशन, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन की हुई है प्रोटोजोन्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ इन्फेक्शन। उसमें हमारे पास इंटेस्टिनल प्रोटोजोन्स, यूरिजेनिटल प्रोटोजोन्स, ब्लड प्रोटोजोन्स और टिश्यू प्रोटोजोन्स आते हैं। ये फोर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट ऑफ इन्फेक्शन, फिर इन्हीं प्रोटोजोन्स को फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, वो हमने यहाँ देख लिया, सार्कोडीना, स्पोरोजोआ, मेस्टिगोफोरा एंड सीलिएटा। उसके बाद हेलमेंट्स की क्लासिफिकेशन आती है, उसके अंदर ये हमने टू फाइलाज इसके देखे हैं, जिसमें प्लेटी हेलमेंथीज थे जिनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं और निमेट हेलमेंथीज थे जिनको राउंड वर्म्स, निमाटोड्स, ये आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये जो टेबल बना हुआ है इसको याद रखें। पैरासाइट्स दो में डिवाइडेड है, प्रोटोजोआंस में एंड हेलमेंट्स में, हेलमेंट्स आगे निमेट हेलमेंथीज राउंड वर्म्स में, और प्लेटी हेलमेंथीज फ्लैटवर्म्स होते हैं जिनमें ट्रीमाटोड फ्लूट्स लाइक ब्लड फ्लूक हम आगे पढ़ेंगे, शिस्टोसोमा एक्सेट्रा, और सिस्टोड में टेप वर्म्स आ जाते हैं जिसमें टीनिया सोलियम, सिस्टिसरकोसिस करवाता है एक्सेट्रा। निमेट हेलमेंथीज में वी हैव राउंड वर्म्स जिसमें पिन वर्म, हुक वर्म एक्सेट्रा आ जाते हैं। प्रोटोजोन्स के ये फोर ग्रुप्स हैं जिसके अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है। तो ये है बेसिकली इनके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद इसी पैराग्राफ में लाइफ साइकिल जो है वो इन प्रोटोजोन्स की और हेलमेंथीज की समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रोटोजोन्स होंगे ना उनकी लाइफ साइकिल में आप लोग ये वर्ड्स देखेंगे जिसमें ट्रोफोजोइट, सिस्ट, प्रोमेस्टिगोट्स, ट्रिपोमेस्टिगोट्स, एमेस्टिगोट्स। ठीक है, ये वाले वर्ड्स जब भी आए तो आप लोग सोच लें कि आप लोग प्रोटोजोन्स की लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रोफोजोइट जो होती है वो मोटाइल फीडिंग फॉर्म होती है, वेयर एज जो सिस्ट होता है वो नॉन मेटाबोलाइजिंग, नॉन रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म होती है जो कि थिकेंड होती है। ठीक है, इसके अलावा कौन से ऐसे प्रोटोजोन्स हैं विच आर फ्लैजिलेटेड, उनका पता होना चाहिए, लाइक लेशमेनिया, ट्राइपैनोसोमा एंड नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स कौन सी हैं, वो एमेस्टिगोट्स के थ्रू रेप्लिकेट करती हैं। ठीक है, और उनके लाइफ साइकिल में, और जो हेलमेंसीज हैं उनके लाइफ साइकिल में एग होता है, लार्वा होता है और फिर एडल्ट फॉर्म होती है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट की बात की हुई है। डेफिनेटिव होस्ट वन वो होता है इन विच द सेक्सुअल साइकिल इज गोइंग टू अकर। इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होता है जिसमें एसेक्सुअल लाइफ होती है। फिर लैब डायग्नोसिस में ये वाली जो इन्फेक्शंस होती हैं उनमें ओवा और पैरासाइट्स नजर आते हैं।
ओवा एग्स पैरासाइट रेफर्स टू द एडल्ट फॉर्म. उसके बाद यहाँ पे प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट इन इन्फेक्शन में ईओसिनोफीलिया होता है और कौन सी एंटीबॉडी का टाइटर ज़्यादा होता है, दैट इज़ आई जी ई एंटीबॉडीज. ठीक है, ये एक एम सी क्यू पॉइंट है कि हाई ईओसिनोफिल काउंट स्किन में नज़र आता है, पर्टिकुलरली राउंड वर्म इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एस्कैरिस स्ट्रोंगाइलॉइडीज, ट्रिचिनेला, टॉक्सोकारा एंड हुक वर्म लाइक निक्टर एंड एनकाइलोस्टोमा. ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि लाइक फ्लू, सिस्टोसोमा, वो भी ईओसिनोफिलिया करती हैं एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ होस्ट डिफेंस अगेंस्ट दीज पैरासाइट. ठीक है, सो दिस वॉज जनरली टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल प्रोटोजोन्स. ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये वाले जो प्रोटोजोन्स होंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने कुछ होंगे जो इंटेस्टाइन में जाके रिजाइड करेंगे और कुछ यूरोजेनिटल होंगे. अब इंटेस्टाइन से आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए कि देयर मोड ऑफ एक्शन वुड बी थ्रू फीकोरल रूट. ठीक है, यानी वो खाने पीने के जरिए किसी तरीके से बॉडी के अंदर आएंगे और हमारे जी आई टी ट्रैक को अफेक्ट करेंगे. इंटेस्टिनल प्रोटोजोन्स में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंटमीबा, जार्डिया, क्रिप्टोस्पोरेडियम, ऑल थ्री ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट. एंड यूरोजेनिटल प्रोटोजोन्स में ट्रिकोनोमास इम्पॉर्टेंट होंगे. मैं व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज, आई विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए सो दैट यू कैन रिकग्नाइज दैट ऑफ विच पैरासाइट द एग्जामिनर इज आस्किंग अस टू टॉक अबाउट. ठीक है, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एंटमीबा. ओके, यहाँ पे जनरली बस बताया हुआ है कि इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर थ्री ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में फ्लैजिलेटेड ट्रिकोमोनास वेजिनेलिस होता है. फिर आगे भी ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोन्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे, उनके अंदर भी फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ट्राइपैनोसोमा एंड लिशमेनिया. When you are studying ना, तो ये चीजें आप लोग साइड पे नोट कर लिया करें कि कौन से फ्लैजिलेटेड हैं और कौन से नॉन फ्लैजिलेटेड हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी नीमोसिस्टिस की बात हुई है. अभी आपको याद हो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो माइकोलॉजी के ऊपर दिया था उसके अंदर भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था. इसके बारे में स्टिल मॉलिक्यूलर एविडेंस मौजूद है कि इसको प्रोटोजोन भी कह सकते हैं और फंजाई भी कह सकते हैं. ठीक है, Now let's start with the first intestinal protozoan, that is entamoeba. The disease it is going to cause will be amoebic dysentery and liver abscess. Points to be noted. ठीक है, इसके अंदर dysentery है, इसका मतलब है कि diarrhea होगा, bloody भी होगा, pulmonary abscess भी ये बनाता है, और mostly इसके asymptomatic cases होते हैं. Important properties में आपने याद रखना है कि इसकी motile trophozoite form है और नॉन मोटाइल सिस्ट फॉर्म है. तमाम पैरासाइट्स के साथ यही होगा, मोटाइल ट्रोफोसाइट फॉर्म है, सिस्ट जो है वो नॉन मोटाइल फॉर्म है. जो सिस्ट फॉर्म होती है वो हमें नजर आएगी नॉन डायरियल स्टूल्स के अंदर. सिस्ट्स हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और जो वाटर एरियाज उनकी प्रॉपर क्लोरिनेशन नहीं होती वहां पे ये रह जाते हैं और डिजीज कॉज कर देते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सिस्ट. अब इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आप लोगों को याद करवाना चाहती हूँ वो ये है कि जो इसका सिस्ट होगा ना, इट विल बी हैविंग 4 न्यूक्लियाई. ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है. और जो ट्रोफोजॉइड होता है उसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है. एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती हैं? ट्रोफोजॉइड एंटीजेंस के अगेंस्ट बनती हैं इन इनवेसिव अमीबियसिस. ठीक है, बट दे आर नॉट प्रोटेक्टिव, ये बात याद रखनी है. एंटीबॉडीज हाउएवर यूजफुल ज़रूर होती हैं क्योंकि आप इससे डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज़ को. ठीक है, इन तमाम चैप्टर्स के अंदर द टेबल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. एवरी सिंगल चैप्टर द टेबल्स लाइक 51.1 एंड एनी अदर टेबल यू इनकाउंटर, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, क्योंकि वो छोटे टाइम में आपको मैक्सिमम तरीके से आप लोग उसके बारे में याद कर सकते हैं. ठीक है, अब इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में इन्होंने बेसिक डिजीजेस बता दिए. एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियसिस करता है, जार्डिया जार्डियसिस, क्रिप्टोस्पोरेडियम क्रिप्टोस्पोरेडियोसिस करता है, फिर ये गैम्बेंसी, ये आगे देखते हैं. चलें, क्लिनिकल फाइंडिंग्स में इसकी आती है अमीबियसिस के अंदर डायसेंट्री होती है. अब डायसेंट्री क्या है? ब्लडी म्यूकस कंटेनिंग डायरिया.
ठीक है, वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे, बेटा व्हाट इज डायसेंट्री, यू शुड बी एबल टू आंसर इट, दैट इट्स ब्लडी म्यूकस कंटेनिंग डायरिया. ठीक है, इसके अंदर साथ में बंदे को लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है, फ्लैचुलेंस होती है, क्रॉनिक लो ग्रेड फीवर्स आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, फिर इसमें ग्रैनुलोमेटस लीजन्स बनते हैं. अब ये भी साइड साइड पे नोट कर लीजिएगा कौन कौन सी जगह ग्रैनुलोमेटस लीजन बन रहा है. ठीक है, इसके अंदर ग्रैनुलोमेटस लीजन जिसको अमीबोमा कहते हैं वो भी बनता है, और ये लीजन जो होता है इट रिजेंबल्स द एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द कोलन. फिर इसमें क्या आ जाता है कि अमीबिक डायसेंट्री होती है इसके अंदर, ठीक है ना, सॉरी अमीबिक एब्सेस बनता है लिवर के अंदर इसके. अब इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, अपर राइट क्वाड्रेंट पेन होगी, वेट लॉस होगा, बंदे को फीवर होगा, टेंडर इनलार्ज्ड लिवर होगा, राइट लोब एब्सेस बनेगा, और ये एब्सेस जो होती है वो डायफ्राम को पेनिट्रेट करके लंग डिजीज तक कॉज कर सकती है. ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ लिवर एब्सेस यील्ड्स ब्राउनिश येलोइश पस विद अपेयरेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एंक्वी पेस्ट. ठीक है, ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है. लैब डायग्नोसिस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली ये होती है, पहले पैथोजेनेसिस देख लेते हैं. फीको ओरल रूट के थ्रू आएगा ऑब्वियसली, जितने भी इंटेस्टिनल है उन्होंने फीको ओरल रूट के थ्रू आना है. ठीक है, एनल ओरल भी है, लाइक होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी ये कॉमन है, इसका कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं है. ऑल बोल्ड स्टफ इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर, इसके अंदर कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है. सिस्ट इंजेस्ट हुई, आइलियम में आई, कॉलोनाइज करती है सीकम और कोलन के अंदर, ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं फिर वो कोलन एपिथीलियम को इन्वेड करते हैं, लीजन्स अपीयर होती है मस्कुलरिस लेयर में, और फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स बनते हैं. ठीक है, फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स कह लें या फिर टीयर ड्रॉप अल्सर्स, ये भी इसका एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है जी. लिखा हुआ है टीयर ड्रॉप अल्सर्स या फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स आ रहे हैं, पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये अमीबा, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात हो रही है. लैब डायग्नोसिस के अंदर अगेन डायग्नोस्टिक आपको डायरियल स्टूल्स के अंदर क्या नजर आएंगे, ट्रोफोजॉइट्स और सिस्ट्स इन फॉर्म्ड स्टूल्स. ये अब याद रखिएगा, सिस्ट्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड स्टूल्स यानी जो कि डायरियल नहीं होगा. ठीक है, और ट्रोफोजॉइट्स डायरियल स्टूल्स में नजर आएंगे. ठीक है, ट्रोफोजॉइट्स के अंदर, और ये इसका एमसीक्यू पॉइंट है, इंजेस्टेड ट्रोफोजॉइट हैव अ सिंगल न्यूक्लियस एंड इंजेस्टेड आरबीसी. जहां पे भी लिखा हो कि कोई ट्रोफोजॉइट है दैट कंटेन्स एन आरबीसी, पता चल जाए आप लोगों को कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात हो रही है. ठीक है, अब इसको बाकी एरिया से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके पास न्यूक्लियस होता है, सिस्ट साइज एटसेट्रा. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमारे पास, तो आप लोगों ने इन सबको नोटिस करना है. ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं, फर्दर बात करते हैं इस टेबल की, प्रोटोजोन्स की. यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल एज वेल. इस टेबल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आप लोगों ने करने हैं. ओके, अब ट्रीटमेंट के अंदर याद रखिएगा कि मेट्रानीडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल इंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल प्रोटोजोन्स. ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि मेट्रोनिड, अब इन टेबल्स के थ्रू आप लोगों ने ये भी चीज याद रख लेनी है कि कौन सा किसके ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है. ठीक है, मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस, वो आप लोगों ने देख लेनी है. इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी इसमें करके देख लें, वो भी इंपॉर्टेंट है. फिर ये मेडिकली इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंटेस्टिनल प्रोटोजोन्स, ये भी देख लीजिएगा कि इनमें वेक्टर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, सिस्ट इसकी स्टेजेस होती हैं जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करेंगी, ट्रिकोमोनास के अंदर दैट इज ट्रोफोस, ये एमसीक्यू पॉइंट है. क्रिप्टोस्पोरेडियम के अंदर ट्रिफोजाइट्स की वजह से वॉटरी डिस्चार्ज है, लेकिन ट्रिकोमोनास में वजाइनल डिस्चार्ज होगा, और एंटमीबा के अंदर ब्लडी डायरिया होता है और लिवर एब्सेस होती है. ठीक है, और आउटसाइड द ह्यूमंस ट्रिकोमोनास की सिर्फ ट्रोफोजॉइट फॉर्म है, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, फर्दर ये रेप्लिकेटिव साइकिल्स बने हुए हैं, इनको बस एक दफा देखिएगा तो मोर और लेस आप लोगों को आइडिया हो जाएगा. नेक्स्ट हम जार्डिया पे आते हैं. अब जार्डिया जो है वो क्या करवाता है, जार्डियसिस. जार्डियसिस क्या होता है, नॉन ब्लडी फाउल स्मेलिंग डायरिया होगा, ये इसके की पॉइंट्स हैं, फाउल स्मेलिंग डायरिया होगा.
इसमें नॉजिया भी होता है, एनोरेक्सिया भी होता है, फ्लैचुलेंस भी होती है, डे केयर सेंटर्स और मेंटल हॉस्पिटल्स वहाँ पे इसका जो है वो एग्जिस्टेंस ज़्यादा होती है। इसकी भी लाइफ साइकिल वही है, ट्रोफोजाइट सिस्ट फॉर्म होगी। इसका जो ट्रोफोजाइट है वो पियर शेप्ड है और उसके टू न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, हम एंट अमीबा का वन न्यूक्लियाई था, जार्डिया के टू न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। साथ में इसके फोर पेयर्स ऑफ फ्लैजेला होते हैं, एंट अमीबा का कोई फ्लैजेला नहीं था। इसकी सक्शन डिस्क भी है, ठीक है ना। थिक वॉल्ड फोर न्यूक्लियाई इंटरनल फाइबर्स होते हैं इसके सिस्ट के, और सिस्ट जो होती है वो एक्सेस्टेशन जब करती है इंटेस्टाइन के अंदर तो फिर डिजीज कॉज होती है। पैथोफिजियोलॉजी वही फीको ओरल रूट के थ्रू आएगी, कॉन्टेमिनेट करेगी आपका कोलन को, डिस्ट्रॉय करेगी, वहां पे आप लोगों को ये डायरिया हो जाएगा। और वही बातें क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉटरी नॉन ब्लडी फाउल स्मेलिंग डायरिया होगा, ये इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट होगा। लैब डायग्नोसिस के अंदर वही सिस्ट और ट्रोफोसाइट्स आप डायरियल स्टूल के अंदर देखेंगे, ठीक है। एलाइजा भी करके देख सकते हैं, जार्डिया एंटीजन भी स्टूल में देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी सारी बातें हैं। ये ड्यूडिनम में जाके अटैच होता है, इन्वेजन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन और फैट कॉल करता है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, स्ट्रिंग टेस्ट सीरोलॉजी का, वो आप लोगों ने जरूरी होता है, उसमें दे देते हैं आप लोगों को क्या नाम है सिनेरियो में दे देते हैं, स्टिंग टेस्ट किस में होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ वी आर ऑन क्रिप्टोस्पोरेडियम। क्रिप्टोस्पोरेडियम के अंदर बस बात ये याद रखें कि इसने डिजीज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर करानी है, और इट विल बी मोर स्वेयर, जो डायरिया कॉज होगा दैट विल बी मोर स्वेयर। अब इंटेस्टिनल प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं ना, तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेंगे, जीआई को, जीआई सिस्टम अफेक्ट हो रहा है और डायरिया हो रहा है। एंटमीबा में ब्लडी था, जार्डिया में भी नॉन ब्लडी है और क्रिप्टोस्पोरेडियम में भी नॉन ब्लडी है। फ्लूइड लॉस होता है, मैल नरिशमेंट होती है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एज सच एज कंपेयर टू अदर्स दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए आई एम मूविंग फर्दर। इसके अंदर बस ये याद रखिएगा कि इसके अंदर किनियन एसिड फास्ट टेस्ट होता है, रेड ऊसाइट्स नजर आते हैं इन स्टूल स्मेयर, और इसकी कोई इफेक्टिव थेरेपी नहीं होती। आप लोग इसके लिए ये देखें, यहाँ पे लिखा है मॉडिफाइड किनियन एसिड फास्ट स्टेन, वो हम इसमें करते हैं। ये क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनस है, ये इसकी रेड कलर की सिस्ट आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है, रेड ऊ सिस्ट, ये बात याद रखिएगा। नाउ फाइनली यूरोजेनिटल प्रोटोजोन्स ट्रिकोमोनास, ट्रिकोमोनास वेजिनेलिस, दिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज, ठीक है। इट इज द, इसको कहते हैं मोस्ट कॉमन विमेन पैरासिटिक इन्फेक्शन। इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल होता है, इसका एमसीक्यू भी आता है और क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और इसके अंदर कोई सिस्ट फॉर्म नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट ये देखें, इट एग्जिस्ट ओनली एज ट्रोफोजॉइड, नो सिस्ट फॉर्म, ठीक है। मैक्सिमम ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अगेन इसकी ट्रोफोजॉइड फॉर्म और सिस्ट फॉर्म में क्या क्या फर्क होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो इसका पियर शेप्ड ट्रोफोजॉइट होता है, इसके पास फोर एंटीरियर फ्लैजिला होते हैं, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, जर्की मूवमेंट, फॉलिंग लीफ मोटिलिटी होती है इसकी, और ये तमाम एडल्ट सेक्शुअली एक्टिव वेमेन को 25 से 50% को कर देता है इफेक्ट। हैबिट, इसका ट्रांसमिशन मोड ऑफ लाइक इट इज सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, और ये जो इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है लॉस ऑफ वजाइनल एसिडिटी, ठीक है। ये देखें, इसकी टिपिकल जर्की मूवमेंट होती है, फॉलिंग लीफ लाइफ मोटिलिटी भी आती है, न्यूट्रोफिल्स भी इसके फ्लूइड में नजर आएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने कॉमन चीजें याद रखनी है पैथोजेनेसिस में, दो चीजें कौन सी लेके आनी है, ट्रोफोजाइट और सिस्ट फॉर्म, ठीक है। नहीं याद आ रहा कि डिजीज कौन सी हो रही है, भाई डायरिया तो सब नहीं हो रहा है एक्सेप्ट फॉर ट्रिकोमोनास, क्योंकि वो यूरोजेनिटल है तो वो वजाइनल डिस्चार्ज कॉज करवाता है, ठीक है। अब ये इसके एमसीक्यूज कर लेंगे। सो आई बिलीव के दिस वाज इनफ फॉर इनफ एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। नाउ ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोन्स, नाउ इसका मतलब है कि अब ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे ब्लड और टिश्यू के अंदर रिजाइड करेंगे और वहां इन्फेक्शन कॉज करेंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरा मलेरिया करवाता है, जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी करवाता है, और ये जो होता है इसकी ट्रांसप्लांट सेंट्रल ट्रांसमिशन भी होती है,
ये एक बाहर प्रोटोजोन है जो कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो गया है तो फीटस को खतरा है इससे, फीटस को एंसेफेलाइटिस, रेटिनाइटिस एक्सेट्रा ये चीजें हो सकती हैं। फिर ये नीमोसिस्टिस आ गया, फिर यहाँ ट्राइपैनोसोमा आता है, फिर इसकी वेरियस फॉर्म्स हैं क्रुजाई, ब्रुसाई एक्सेट्रा, एंड देन वी हैव लिशमेनिया। अगेन ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने किसी को स्किप करना भी है तो वो नीमोसिस्टिस को करते हैं, अदरवाइज प्लाज्मोडियम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया बहुत कॉमन डिजीज है, वाई वाई एक्सेट्रा में पूछी जाएगी। इसकी चार फॉर्म्स ओवेल मलेरी फेल्सिफॉर्म एंड वाइवैक्स होती हैं। ठीक है, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर हमारे पास लाइफ साइकिल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेक्शुअल साइकिल जो होता है वो मस्कीटोज में होता है, और जो ए सेक्शुअल साइकिल होता है वो ह्यूमंस या फिर इंटरमीडिएट होस्ट में होता है। सेक्शुअल साइकिल को स्पोरोगोनी कहते हैं, और जो इसका ए सेक्शुअल लाइफ साइकिल होता है उसको हम लोग शिजोगोनी कहते हैं, और शिजोगोनी जो होता है वो ह्यूमंस में होता है। ठीक है, तो ये इसका लाइफ साइकिल जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है, इट इज वाया द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोरोजोइट्स इनटू द ब्लड। और ये कहाँ से आते हैं? बाय बाइटिंग ऑफ मस्कीटो, क्योंकि ये इसके स्लाइवा के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक्सोएरिथिक फेज और एरिथ्रोसाइटिक फेज। एक्सोएरिथिक फेज का मतलब है कि यानी अभी उसने आरबीसीज को अफेक्ट नहीं किया होगा, और एरिथ्रोसाइटिक फेज का मतलब है कि वो जो आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई होगा उसमें होगा। इसी वजह से कहते हैं कि जिन लोगों को जिस तरह सिकल सेल एनीमिया है उनके अंदर आरबीसीज ही प्रॉपर नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, अब ये इसकी फॉर्म्स हैं। स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में ये ह्यूमन के अंदर बाइटिंग ऑफ मस्कीटो से आ जाता है। फिर इसकी एक्सोरिथिक फेज होती है जिसमें मल्टीप्लीकेशन और डिफ्रेंसिएशन होती है इंटू मीरोजोइट्स, और ये लिवर के पास चला जाता है। ठीक है, मीरोजोइट्स जो होते हैं वो लिवर सेल से रिलीज होते हैं और फिर इन्फेक्ट कर देते हैं आरबीसीज को, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एरिथ्रोसाइटिक फेज। एरिथ्रोसाइटिक फेज के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है इनटू अ रिंग शेप्ड ट्रोफोजोइट। ये इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट है जो कि ज़रूर आता है इसकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, और द रिंग फॉर्म ग्रोज इंटू एमीबोइड फॉर्म, और एक शिजोंट बन जाता है जिसके अंदर मल्टीपल मीरोजोइट्स होते हैं। ठीक है, मीरो फिर ये शिजोंट जब फटेगा तो इसमें से मजीद मीरोजोइट्स निकलेंगे, वो मजीद एरिथ्रोसाइट्स को अफेक्ट करेंगे, और साइकिल आपका चलता रहेगा। ठीक है, और इसके रिलैप्सेस होते रहेंगे, इसमें चिल्स, फीवर, स्वेट्स मलेरिया पेशेंट्स के अंदर ये बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके अंदर वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड है। पिछले के अंदर यूरोजेनिटल और इंटेस्टिनल में कोई वैक्टर नहीं था, लेकिन जो हमारे पास ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोन्स हैं उसमें वैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। प्लाज्मोडियम का एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो होता है। ठीक है, ये इसके याद रखने हैं, और ये अभी तक हम लोगों ने जो ह्यूमन के अंदर साइकिल होता है वो डिस्कस की है। उसके बाद ये होता है कि जब फीमेल मस्कीटो जो है वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो वो उसका ब्लड ले लेगी, और उस ब्लड के अंदर पड़े हुए थे मीरोजोइट्स। वो मीरोजोइट्स जो होते हैं वो फीमेल के अंदर आके गेमिटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर ये गेमिटोसाइट एक फीमेल के अंदर एक मैक्रोगेमीट एंड एट स्पर्म लाइक माइक्रोगेमीट्स वो फ्यूज करते हैं, तो आपके पास डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है जो कि मोटाइल ऊ का ही नीटी बनता है, जो कि अब कहाँ पड़ा हुआ है मस्कीटो की गट के अंदर। वो वहाँ पे ग्रो करेगा इंटू हैप्लॉइड स्पोरोजोइट्स, और ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स में जाते हैं और फिर नेक्स्ट ब्लड मील के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये इसका कंप्लीट साइकिल था। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्वीन होता है, लेकिन क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंस फॉर्म एग्जिस्ट करती है। फिर इसमें आपकी पायरीमिथामीन एक्सेट्रा प्रिमाक्वीन होती है जो कि हेपेटिक स्टेजेस को ट्रीट करती है। इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट था, करेक्टरिस्टिक्स देख लेने आपने। इसमें अनीमिया बहुत कॉमन होगा, ड्रेंचिंग स्वेट्स होंगे, स्प्लीनोमेगैली होगी, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन होगी। प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है वो बेनाइन मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया से रिलेटेड अगर पेपर में आए तो ये, अगर आप लाइफ साइकिल इसका ड्रॉ कर देंगे तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है,
अब ये प्लाज्मोडियम के अंदर भी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए, इसका पूरा लाइफ साइकिल आप लोगों को बता दिया। और ये बात याद रखिएगा, पॉइंट ये याद रखना है कि मस्कीटो ने कहाँ इंजेक्ट करने हैं, मस्कीटो ने स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट करने हैं, और ह्यूमन ब्लड के अंदर मीरोजॉइट्स पड़े हुए हैं, तो उसने फिर ब्लड जब वो सक करेगा तो वो मीरोजॉइट्स सक कर लेगा। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम गैमेटोसाइट की शक्ल देखें, ये पर्पल सा बना हुआ है, बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट, इसका भी एमसीक्यू आ जाता है। और इसके ट्रोफोजॉइट्स कहते होते हैं रिंग शेप्ड ट्रोफोजॉइट्स, ये अंदर पड़ा हुआ रिंग शेप्ड ट्रोफोजॉइट्स एंड बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट्स। ये अगेन एमसीक्यू पॉइंट्स हो गए हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ट्रीटमेंट चार्ट आप लोगों ने खुद देख लेना है, क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, प्रिमाक्वीन, इसकी हिपेटिक स्टेजेस को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए पायरीमिथामीन यूज करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम फर्दर चलते हैं टॉक्सोप्लाज्मा के ऊपर, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा जो होता है वो डिजीज कौन सी कॉज करता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ओके सो नाउ इट्स वर्किंग, ये टेबल ऊपर जो आया था इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये कर लीजिएगा। अब टॉक्सोप्लाज्मा की बात करते हैं, तो टॉक्सोप्लाज्मा जो होता है दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है, ठीक है। ये एसिम्टोमेटिक होता है यूजली, इसके अंदर हेट्रोफील एंटीबॉडी नेगेटिव इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होती है। अब टॉक्सोप्लाज्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमेस्टिक कैट कवर्ड यूज करना, ठीक है। जो कैट्स होती हैं उनकी जो फीसेस होती हैं उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसकी सिस्ट्स मौजूद होती हैं, तो अगर ह्यूमन बीइंग उनको इनहेल कर ले तो उसको ये इन्फेक्शन हो सकती है। एंड प्रेग्नेंट लेडीज आर एक्सट्रीमली एट अ रिस्क ऑफ दिस, दैट्स वाई इट्स बेटर कि कैट्स को उनसे दूरी रखा जाए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज देख लेनी आप लोगों ने इसके अंदर, इसका लाइफ साइकिल भी आप लोगों ने, इसके अंदर rapidly multiplying trophozoites होते हैं जिनको tachyzoites कहते हैं, वो cells को kill करते हैं और फिर infect कर देते हैं other cells को। cell mediated immunity जो होती है वो इसके against act कर रही होती है और tachyzoites को hamper करने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो ये कहते हैं कि the parasite host cell के अंदर आते हैं, brain, muscle and other tissues को affect करेगा और cyst की form में develop हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता multiply करना शुरू करें, इनको कहते हैं जी ब्रेडीजोइट्स, ठीक है। ये बात आप लोगों ने इसमें याद रख लेनी है, इसका मतलब बस ये है कि ये सिस्ट फॉर्म अगर ये करता है तो ये गट म्यूकोजा को अफेक्ट करेगा, मैक्रोफेजेस इनको इंगल्फ करेंगे, टेकीजोइट्स बनेंगे और फिर ये डिसेमिनेट हो जाएगा ब्लड और मसल्स के अंदर, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में अगेन ये कोलीरेटिनाइटिस अगर हो जाए प्रेगनेंट लेडी को तो स्टिल बर्थ होती है, न्यूनेटल डिजीजेस लाइक एंसेफेलाइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली, ये सब कॉमन है, ठीक है। और एड्स का पेशेंट जो होता है वो तो ऑलरेडी उसकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो ख़त्म हुई होती है, जिसने इसके अगेंस्ट लड़ना होता है तो वो तो होती नहीं है, तो ये जो होता है काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। ठीक है, अब लैब डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास होता है एक्यूट कंजेनिटल इन्फेक्शंस में सबसे पहले एंटीबॉडी टाइटर इंक्रीज होगा, जिसमें आईजीएम एंटीबॉडी ज़्यादा होंगी, ठीक है। उसके बाद सबसीक्वेंटली आईजीजी का टाइटर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जेम्सा स्टेन्स में देखेंगे तो आपको क्रिसेंट शेप्ड ट्रोफोजॉइट्स नजर आएंगे, या अगेन इसका पेपर में आता है क्रिसेंट शेप्ड ट्रोफोजॉइट्स किस में होते हैं, सो यू शुड नो कि दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। इसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मा में और कोई इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रीटमेंट इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सल्फाडायाजीन, पायरीमिथामीन हम लोग देते हैं। प्रिवेंशन में अगेन यही है कि इट्स बेटर कि अंडर कुक्ड मीट ना खाएं, कॉन्टैक्ट विद कैट फीसेस ना आए, लिटर बॉक्स को जब एम्प्टी करें सो आप लोग मास्क पहन लिया करें, ठीक है ना, और कैट्स को रॉ फीड ना खिलाएं, ताकि रॉ मीट ना खिलाएं कच्चा गोश्त, ताकि वो भी इन्फेक्ट ना हो, ठीक है। नेमोसिस्टिस जो है आई एम गोइंग टू स्किप इट,
ठीक है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अदर इम्पॉर्टेंट स्टफ विच नीड्स टू बी कवर्ड. ट्राइपैनोसोमा जो होता है, इसकी थ्री मेजर पैथोजेंस हैं, क्रुजाए, गेम्बेंसी एंड रुटेंसी. जो क्रुजाए फॉर्म होती है उसने चैगस डिजीज कॉज करनी है. ठीक है, इसका वेक्टर कौन सा इन्वॉल्व है? रुडविक बग, जिसको हम कोन नोज और किसिंग बग भी कहते हैं. इसको इसलिए ये कहते हैं बिकॉज ये एरिया अराउंड द लिप्स एंड माउथ, वहां पे ज्यादातर बाइट करता है. That's why इसका नाम है ये. और इसमें ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं वो रिजर्वायर होस्ट्स आ जाते हैं. अब इस साइकिल के अंदर वर्ड ट्रिपोमेस्टिगॉट्स एंड ए मेस्टिगॉट्स का यूज होना है. ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है. ठीक है, इसके अंदर एक्यूट फॉर्म भी होती है, इंटरमीडिएट भी होती है, क्रॉनिक भी होती है. एक्यूट फॉर्म में एडिमेटस नोड्यूल्स बनते हैं, शेगोमास बनते हैं, रोमांस साइन आता है. ठीक है, इंटरमीडिएट में पैरासाइटीमिया होता है इसका, और क्रॉनिक फॉर्म में ये मायोकार्डाइटिस, मेगाकोलन, मेगा इसोफेगस ये कर देता है. ठीक है, बग ने जब बाइट करना है ना, द साइट कंटेमिनेटेड विथ फीसेस दैट विल कंटेन ट्रिपोमेस्टिकॉट्स. ट्रिपोमेस्टिकॉट्स ब्लड में आते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड एमेस्टिकॉट्स बन जाते हैं होस्ट सेल के अंदर. Many cells can be affected, लेकिन heart के, brain के और reticular endothelial cells, they are the ones that are going to be affected the most. ठीक है, to complete the cycle, amastigots जो होते हैं वो again differentiate होते हैं tripomastigots में, जो कि blood में enter होते हैं and are taken up by the Ludwig bug. यानी Ludwig bug दोबारा tripomastigots ले लेता है. Human में amastigots ने बनना है. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. ठीक है, चैगास डिजीज ये भी एक कॉमन डिजीज है. इसके ट्रीटमेंट में सल्फामेथॉक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने देख लेना है. इनका लाइफ साइकिल, आप लोगों ने लाइफ साइकिल की ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बस याद रख लेनी है कि ट्रिपोमेस्टिगॉट बग ने खाना है और ह्यूमंस के अंदर एमेस्टिगॉट्स बनने हैं. ठीक है, ये इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स अगर याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा. ठीक है, ट्राइपैनोसोमा, गेम्बेंसी और रुडेंसी रह गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है. एक सेकेंड, थोड़ा सा हम ऊपर जाएंगे. ट्रिपोमेस्टिकॉट्स फॉर्म ब्लड में होती है. ठीक है, इसके याद रखिए. अच्छा, स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा ब्रुसाई दैट इज गेम्बेंसी एंड रुडेंसी, उन्होंने अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ये करवा देती है. इसमें लिम्फेडिनोपैथी होती है, डीमाइलिनेशन, एनसेफेलाइटिस, सोमनोलेंस, ये सब कुछ होता है. इनके अंदर ट्रिपोमेस्टिगॉट्स होते हैं, ब्रुसाई गेम्बेंसी एंड ब्रुसाई रुडेंसी के अंदर ट्रिपोमेस्टिगॉट्स होते हैं लेकिन एमेस्टिगॉट्स नहीं होते. इसमें वेक्टर जो होता है ये देखें, सेट सी फ्लायर. ठीक है, और ह्यूमन और एनिमल रिजर्वायर्स होते हैं. इसके अंदर ब्लड स्मियरी हम लोग देखते हैं और स्यूरामिन जो होता है वो एनसेफेलाइटिस से बचाता है. ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिशमेनिया को. लिशमेनिया जो होता है वो लिशमेनियसिस करवाता है, जिसको कालाजार कहते हैं. ठीक है, लिशमेनिया में हमारे पास लिशमेनिया डोनोवानी, ट्रॉपिका, मैक्सिका एंड लिशमेनिया ब्राजीलेंसिस आता है. डोनोवानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. डोनोवानी ने कौन सी डिजीज कॉज करनी है? कालाजार करना है. वेक्टर कौन सा इन्वॉल्व है? सैंड फ्लाई इन्वॉल्व है. इट इंजेस्ट मैक्रोफेजेस कंटेनिंग एमेस्टिकॉट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है. अब आप लोग बेसिकली याद रखें कि जो लिशमेनियसिस होता है ना, दैट इज कालाजार. इसमें क्रॉनिक लो ग्रेड फीवर होता है, भूख नहीं लगती, वेट लॉस हो रहा होता है, स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है, अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, जितने भी पीनियाज है ना वो लिशमेनिया से इन्वॉल्व है. अनीमिया होता है, ल्यूकोपीनिया होता है. ठीक है, डॉग, फॉक्स, रोडेंट्स ये इसके रिजर्वायर्स होते हैं. इंजेस्टेड मैक्रोफेजेस कंटेनिंग एमेस्टिगॉट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है. एमेस्टिगॉट्स आगे प्रोमेस्टिगॉट्स में कन्वर्ट होंगे. आप लोग लाइफ साइकिल जो है वो एक दफा देख लीजिएगा. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लाइफ साइकिल पे मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रही बिकॉज ये तो वो चीजें हैं जो पता होनी चाहिए. ठीक है, मैं आई एम ट्राइंग के आप लोग किसी तरीके से गेस कर लें जब आप लोगों को आए.
कि ये बात किसकी हो रही है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में वही रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम अफेक्ट होगा, स्प्लीन की एनलार्जमेंट होगी, काला जार होता है, ठीक है। काला जार को ब्लैक सिकनेस भी कहते हैं, ठीक है। सैंड फ्लाइज इसके इंपॉर्टेंट, इसमें लीजन्स बनती हैं म्यूकोक्यूटेनियस, इसके अंदर भी ग्रैनुलोमेटस रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। एंड अ निक्रोटिक अल्सर इज गोइंग टू फॉर्म एट दी बाइट साइट। डायग्नोसिस में आप इसका सीरोलॉजिकल टेस्ट भी है, आईजीजी एंटीबॉडी को भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल में म्यूकोक्यूटेनियस के अंदर पेप्यूल्स बनते हैं बाइट साइट के ऊपर, ठीक है। अल्सरेटिंग लीजन्स होती हैं, मैसिव स्प्लीनोमिगैली होती है। ट्रॉपिका ब्रेजिलेंसिस, बस ये है, ट्रॉपिका क्यूटेनियस फॉर्म्स होती हैं, ट्रॉपिका और मैक्सिकेना, और ब्रेजिलेंसिस जो होती है वो म्यूकोक्यूटेनियस फॉर्म होती है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद वी आर डन विद द प्रोटोजोन्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेलमेंट्स। हेलमेंट्स में हमारे पास सिस्टोड्स, ट्रिमाटोड्स और नेमाटोड्स आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगी हूँ, वो इनके बारे में याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब द थिंग इज के अब मैं आप लोगों को जो ये वाला जो टॉपिक है हेलमेंट्स का, इसको मैं आप लोगों को थोड़े डिफरेंट वे में करवाऊंगी। इसमें मैं आप लोगों को बुक की पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगी, इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप लोग अपनी बुक खोलें और साथ साथ नोट कर लें। माइनर प्रोटोजोन्स का जो चैप्टर है उसके अंदर जो टेबल्स हैं वो आप लोगों ने देख लेने और वो कर लेने हैं, ठीक है। अब सिस्टोड्स के अंदर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ वो नोट कर लें। पहली बात ये कि जितने टेबल्स हैं वो करने हैं, टीनिया सोलियम और टीनिया सिलियम का डिफरेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये आता है। एकाइनोग्रैनुलोसिस भी आता है, ठीक है। अब मैं एक एक करके हर सिस्टोड, पहले हम सिस्टोड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सिस्टोड्स में जो टीनिया सोलियम होता है उसको पोर्क टेपवर्म कहते हैं, और जो टीनिया सेजिनेटा होता है दैट इज बीफ टेपवर्म, ठीक है। टीनिया सोलियम के अंदर सिस्टिसरकोसिस होगी, जिसके पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन होती है कि वॉमिटिंग हो रहा है, सीजर्स हो रहा है, यूवियाइटिस हो रहा है। करेक्टरिस्टिक में इसके पास सकर्स होते हैं, सर्कल ऑफ हुक्स होता है। पैथोजेनेसिस में इसका प्रोग्लॉटिडस जो होता है, ग्रेविड प्रोग्लॉटिडस होता है। प्रोग्लॉटिडस बेसिकली इसके पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर डिविजनल पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। ये जो होता है ब्रेन को बेसिकली ज्यादा अफेक्ट करेगा, और इसमें स्पेस फिल्ड कैल्सिफाइड लीजन्स बनती हैं। डायग्नोसिस आप इसका कर सकते हैं, लार्वा जो होते हैं दे फ्लोट इन विट्रस, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इनके ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो निक्लोसामाइड या फिर प्रेजिक्वेंटल होती है। टीनिया सेजिनेटम जो होता है वो बीफ टेपवर्म होता है, इसके पास कोई हुक्स नहीं होते, ठीक है। फिर होता है डायफाइलोबॉथ्रियम लेटम, फिश टेपवर्म, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये फिश टेपवर्म होता है। फिश से रिलेटेड या कुक्ड सी फूड से रिलेटेड कोई आए एमसीक्यू जिसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा हो, आप लोगों का डायग्नोसिस शुड बी डायफाइलोबॉथ्रियम लेटम, ठीक है। इसका जो यूट्रस होता है वो रिजेट फॉर्म में होता है, ठीक है। एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, इट इज कॉल्ड डॉग टेपवर्म, क्योंकि ये जो डॉग्स फीड करते हैं शीप, इसके अंदर बेसिकली जो शीप होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, और जो ह्यूमन होता है वो डेड एंड होस्ट है, और डॉग डेफिनेटिव होस्ट है। तो डॉग्स जो कि शीप के ऊपर फीड करेंगे जिनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म होगा, तो डॉग्स में आ जाएगा, और फिर ये डॉग से ह्यूमंस को भी लग सकता है। इसको हाइड्रेटेड डिजीज कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट टेपवर्म होता है, ठीक है ना। इसमें एक टेस्ट होता है केजीन टेस्ट, उसका आता है, इसके अंदर ऑन्कोस्फेयर्स बनते हैं और स्प्रेड करते हैं टू द ऑर्गन ऑफ लिवर, ठीक है। अब इनके अंदर आपने इनकी पैथोजेनेसिस और लाइफ साइकिल को खुद एक दफा देख लेना है। फिर हेमोनेलेप्सिस नाना होता है, इसको ड्वार्फ टेपवर्म भी कहते हैं, बस इतना याद रखने की जरूरत है। सिस्टोड्स कंप्लीट, नाउ कम्स ऑन ट्रिमाटोड्स। ट्रिमाटोड्स क्या है? फ्लूक्स हैं। फ्लूक्स में शिस्टोसोमा जो होते हैं वो स्नेल्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास शिस्टोसोमा की थ्री फॉर्म्स होती हैं, मेंसोनी, जिपोनिकम एंड हेमाटोबियम। हेमाटोबियम, अब इनके एग्स की फॉर्म की ये इनकी शक्ल कैसी है ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग जो होता है, हेमाटोबियम हैज अ लार्ज टर्मिनल स्पाइन,
जहां पे भी ये वर्ड आए, डायग्नोसिस इज ऑफ सिस्टोसोमा हेमाटोबियम. जेपोनिकम में देयर इज स्मॉल लैटरल स्पाइन और मैनसोनी के अंदर लार्ज लैटरल स्पाइन है. ठीक है, ये इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं. हिमाटोबियम ब्लैडर कैंसर करवाएगा, इसमें हिमाचूरिया नजर आएगा. ठीक है, और जो शिस्टोसोमास होते हैं इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मेल और फीमेल होते अलहदा हैं, लेकिन जो मेल होता है ना उसके अंदर एक ग्रूव होता है जिसके अंदर फीमेल रिजाइड कर रही होती है. ठीक है, तो ये एक वाहिद इसी का फीचर है. और शिस्टोसोमियसिस जो होता है वो स्विमर्स एच पी उसे कहते हैं, स्विमिंग के दौरान ये इन्फेस्ट हो सकता है ह्यूमन बींग के अंदर. इसके अंदर इओसिनोफीलिया काफ़ी प्रोमिनेंट देखा जाता है और रप्चर्ड ईसोफेजियल वेरिसेस भी होती हैं. ठीक है, इसके पैथोजेनेसिस क्या होती है कि सर सराए जो होते हैं वो ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट करेंगे. ठीक है, इसके अलावा एग्स जो होते हैं वो हैच करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, स्नेल्स को पेनिट्रेट करते हैं और फिर वहां जाके सर सराए बन जाते हैं. ठीक है, इसके अंदर ग्रैनुलोमा बनता है. और जो ट्रेमाटोड्स हैं उनकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेजिक्वेंटल. ठीक है, फिर हमारे पास आता है क्लोनॉर्किस सिनेसेंस, वो फिश और स्नेल से रिलेटेड है, इसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं. और फिर होता है पैरागोनिमस वेस्टमानी, दैट इज लंग फ्लूक. ठीक है, उसमें हमारे पास लंग के सिम्टम्स आएंगे, ब्लडी स्पूटम एट्सेट्रा. ये अंडरकुक्ड क्रैब्स वगैरह की वजह से आ जाता है. लार्वा इंटेस्टिनल वॉल से डायफ्राम में भी जा सकते हैं. ठीक है, और फिश फ्री स्विमिंग सरसरा इसमें भी होते हैं. क्रैब्स का जहाँ पे भी आए यू गो फॉर पैरागोनिमस. ठीक है, अंडरकुक्ड फिश के बारे में बात हो रही है. कोरिया चाइना और जापान में बहुत इसका कॉमन है, वहाँ पे क्लोनॉर्किस सिनेसिस लिवर फ्लूक की बात हो रही है. ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन अगेन लिवर अफेक्ट हो रहा है तो अपर एब्डोमिनल पेन होगी, एनोरेक्सिया होगा, हेपेटोमिगैली होगी और इओसिनोफीलिया होगा. डायग्नोसिस में आपको इनके एग्स नजर आएंगे फीसिस और यूरिन के अंदर. ऑपरक्यूलेटेड एग्स होते हैं क्लोनॉर्किस के. ठीक है, इन स्टूल होंगे और पैरागोनिमस के स्पूटम में भी और फीसिस में भी नजर आते हैं. लास्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है नेमाटोड्स, एंड दीज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. नेमाटोड्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ. नेमाटोड्स के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेरीएनल इचिंग कौन सा नेमाटोड करवाता है. नेमाटोड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेस्टिनल नेमाटोड्स. ठीक है, उसमें एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस जो होता है वो पेरीएनल इचिंग करवाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेस्टेशन ऑफ नेमाटोड्स दैट हैपन इन चिल्ड्रन. मोर और लेस हर बच्चा जो होता है इससे पास उसने किया होता है. ठीक है, फीमेल जो होती है वो माइग्रेट करती है टू द एनस और रिलीज करती है एग्स को एट द नाइट. इसमें स्कॉच टेप टेस्ट इसका डायग्नोस्टिक होता है. मेबेंडाजोल इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है. ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना है. इसके अलावा एक और चीज आती है कि इवन जो बेड होता है बच्चे का उसके ऊपर भी द पेरेंट के नोट के वहां पे ये वाइट वाइट कलर के वर्म्स पड़े हुए हैं. ठीक है, इसके एग्स स्टूल में नजर नहीं आते, रिकवरी होती है एग्स की बाय फेमस स्कॉच टेप मेथड. ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना है. उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है ट्रिचरस ट्रिचरा, इसको कहते हैं विप वर्म. एंट्रोबियस को पिन वर्म कहते हैं. ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं जो आपको डायग्नोस्टिक एक्सेट्रा में हेल्प करेंगे. ठीक है, और ट्रिचरस ट्रिचरा जो होता है, ऐसा करती हूँ मैं ना आप लोगों को इसकी थोड़ी सी पिक्चर भी दिखा देती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू गाइस. ये आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे पास तमाम वर्म्स हैं. ठीक है, एंट्रोबियस को पेन वर्म कहते हैं, ट्रिचरस को विप वर्म कहते हैं, एस्कैरस एस्केरियसिस करवाता है, एनकाइलोस्टोमा एंड नेक्टेर हुक वर्म कराते हैं. ये हमारे पास कौन सी तरह का एनीमिया कराते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि ये आपकी ये लिटरली ब्लड सक करते हैं बॉडी से. फिर स्ट्रोंगाइलॉइडीज होती हैं, स्ट्रोंगाइलॉइडियसिस करवाते हैं, इसका आइवरमेक्टम ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ये आता है. ट्रिचिनेला ट्रिकोनोसिस करवाता है. ठीक है, इसमें पिग रेजरवायर्स होते हैं. अब ट्रिचरस की अगर मैं बात करूँ तो ये डायरिया कॉज कराता है. इसमें बैरल शेप्ड विद बाइपोलर प्लग्स इस तरह के एग्स नजर आएंगे. जो एस्कैरस होता है
वो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, बट एस्कैरिस निमोनिया भी कॉज करवा सकता है। ये लंबे लंबे वर्म्स होते हैं जो कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर भी ब्लॉकेज भी कॉज कर सकते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन होती है और इयोसिनोफिलिक एक्सुडेट बनता है। ठीक है, एनकाइलोस्टोमा नेक्टर जो होता है वो माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज करवाता है। अब जितने भी आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अनीमिया कॉज करा रहे हैं ना, वो आप लोगों ने एक जगह साइट पे लिख लेने हैं। जिस तरह मेगालोब्लास्टिक डायफाइलोबोथ्रियम करवा रहा था, एनकाइलोस्टोमा नेक्टेर जो है वो माइक्रोसिटिक अनीमिया करवा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गा एलॉइडीज के अंदर जो आपके पास होता है उसके अंदर मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है। इसके अंदर इओसिनोफिलिया जो होता है वो स्ट्राइकिंग होता है, और जो इसका लार्वा होता है वो स्किन को इन्फेक्ट करता है। ऑटो इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन का क्या मतलब है? ऑटो इन्फेक्शन का मतलब है कि ये ऑल द वे इंटेस्टाइन से ऊपर ट्रेकिया में जाता है, ऊपर जाता है ईसोफेगस में, और वहां से फिर ट्रेकिया में घुस के लंग्स के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने जनरल इनके फीचर्स बताए हैं। ये देखें, ट्रिचरस के अंदर वर्म्स इन कॉलम मे कॉज रेक्टल प्रोलैप्स, इसका भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस फ्लेरीफॉर्म लार्वा। तो फ्लेरीफॉर्म लार्वा दो में है, स्ट्रोंगा एलॉइडीज और एनकाइलोस्टोमा में। ठीक है, फ्री लिविंग साइकिल होता है स्ट्रोंगा एलॉइडीज का इन द सेल सॉइल। ठीक है, ये बेसिक चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास मेडिसिनली इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ टिश्यू नेमाटोड्स। पहले हम इंटेस्टिनल नेमाटोड्स को देख रहे थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट ऊपर रह गया है, ट्रिचिनेला स्पायरेलिस। ट्रिचिनेला स्पायरेलिस जो होता है ना, वो पिग उसके रेजर्वायर होते हैं। इस वजह से ये यूएसए और उन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और लार्वी जो होते हैं वो डिवेलप करते हैं स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर। मसल बायोप्सी हम उसमें इस वजह से लेते हैं। ठीक है, लास्टली अब हमारे पास टिश्यू नेमाटोड्स हैं। टिश्यू नेमाटोड्स में यूरेथ्रिया जो है वो मस्कीटो उसका वेक्टर है, ऑन्कोरिचेरिया ब्लैक फ्लाई, लोआ का डियर फ्लाई, यही तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से यूरेथ्रिया से एलिफेंटियसिस होता है। क्यों होता है एलिफेंटियसिस? क्योंकि एडल्ट वॉर्म लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देते हैं और वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है और स्वेयर फॉर्म ऑफ एडिमा हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर, उसको एलिफेंटियसिस कहते हैं। ठीक है, ऑन्कोचरेचिया जो होता है वो स्किन को अफेक्ट करता है, माइक्रोफिलराय आई में भी आ जाते हैं जिससे ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। ठीक है, और बाकियों को आप लोगों ने जस्ट देख लेना है। ठीक है, ऑन्कोचरेचिया जो होता है वो लिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आप लोगों के पास है। बाकी इनके लाइफ साइकिल्स वगैरह आप लोगों ने देख लेने हैं, टेबल्स आप लोगों ने हर एक का करना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, और पैथोजेनेसिस के अंदर लाइफ साइकिल्स जो थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। लास्ट पे जो हेलमेंट थी इसकी मैंने डिस्कशन की है, उसके अंदर आई हैव नॉट शोन द बुक पेजेस, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर्स थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट वट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस क्लिनिकल सिनेरियो। ठीक है, सो आई होप के दिस ऑल हेल्प्स यू इन डायग्नोसिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर पैरासाइटोलॉजी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।